उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एसएन सिंह फिजियोथेरेपी क्लिनिक बेवर द्वारा निशुल्क नेत्र परीक्षण का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर से आए नेत्र विशेषज्ञों ने लगभग 98 मरीजों का परीक्षण किया। मोतियाबिंद से पीड़ित लगभग 90 मरीजों को भर्ती कर निशुल्क ऑपरेशन के लिए द्वारकाधीश नेत्र चिकित्सालय भेजा। कानपुर समाज सेवा समिति द्वारा निशुल्क आंखों के कैंप का आयोजन किया। शिविर में द्वारकाधीश नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टर अमित सिकरवार, दीपक यादव नेत्र रोग विशेषज्ञ ने लगभग 98 मरीजों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया। कैंप में मोतियाबिंद, कमर दर्द आदि आंखों से संबंधित मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। मोतियाबिंद से पीड़ित लगभग 90 मरीजों को जांच के बाद भर्ती कर निशुल्क ऑपरेशन के लिए द्वारकाधीश नेत्र चिकित्सालय कानपुर भेजा। इस अवसर पर डॉक्टर अमित सिकरवार, डॉक्टर दीपक यादव नेत्र परीक्षक अधिकारी, डॉक्टर सरदाम सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, शानू ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे फ्री कैंप किया गया है हमारे सहयोगी डॉक्टर अमित सिकरवार की वजह से, और यहाँ पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए गए। लगभग कितने मरीजों को देखा गया? यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 35 ओपीडी कर ली है, क्योंकि सर्दी का माहौल है, इस वजह से कम आ पा रहे हैं पेशेंट। और हम लोग कानपुर ऑपरेशन करते हैं और वहाँ से मरीज को फ्री ले जाएंगे और फ्री ऑपरेशन करके रहना, खाना, दवाई, चश्मा सब फ्री रहता हूँ। ये कैंप जो लगाया गया किसके द्वारा लगाया गया? ये हमारा श्री द्वारकाधीश नेत्र चिकित्सालय है कानपुर में, उसकी तहत लगाया गया है। किस जगह पे लगाया गया है ये? यहाँ पे कैंप जो है आपके यहाँ बेवर रोड पे मसड्डे के पास, तो HN जो हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है नेत्र का, उनके यहाँ लगा हुआ है। ये कैंप किन किन शहरों में आपने लगाया, कितनी जगह पे? ये हम लोग हमेशा हर जगह लगाते हैं। अभी फरदाबाद भी था, अब बेवर में है, और अगला कैंप हमारा इधर पास में और कहीं भी होगा। कितने समय से ये कैंप चल रहा है? ये समथिंग 20 साल से पहले से चल रहा है।